क्या नाम है आपका? शालिनी केशवानी। कहाँ से? महू से आए हैं? हाँ, ये स्टाफ नर्स है एक्चुअली, और ये स्पेशली महू से आए हुए हैं थ्रेडिंग और क्लीनअप के लिए, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। क्लीनअप इनका डन हो चुका है और बाकी के लिए आपको बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा हमारे सैलून में, छोटे से सैलून में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा सच में। सर्विस ठीक लगी आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छी, रेटिंग मेरी 5 है। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इनके बारे में। एक्चुअली ये हेड नर्स हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है, बच्चे को मैनेज करते हुए जॉब कर रही हैं, साथ में बच्चे को लेकर जाती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं, और बोलते हैं आप सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग सोचते हैं ना घर के कामों को मुद्दा बनाते कि अरे हम घर का भी कर रहे हैं, तो ये दो बच्चों को संभालते हुए हेड नर्स की जॉब भी करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, और ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही है। अगर जो लोग डिप्रेशन में टेंशन में, तो आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे क्लाइंट के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई है, समझ लीजिए। और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, एक इमोशनल टच हो गया। मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा, नहीं इमोशनली टच हो गई मैं आपसे, बिकॉज क्योंकि बहुत जो मैंने आपके लिए आपके मुझे सुना कि आप इतना, और ये 7 मंथ प्रेगनेंट थी जब इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी हिटनेस की, राइट? तो ज़्यादा सोचिए मत, तब से लेके जा रही हूँ इसको। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, बहुत आपको लगा होगा बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नेचर भी ओपन होती हैं, वो ही आगे बढ़ती है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे, ईश्वर की कृपा है मेरे नाथ। थैंक यू। कल जो कस्टमर आई थी, शालिनी नाम था उनका, वो मऊ से आए थे, और उनकी स्टोरी सुन के मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी, मतलब मेरे अंदर बहुत खलबली सी मच गई थी। अच्छा भी लगा, प्राउड भी फील हुआ कि लोग कितना करते हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर लोग लाइफ में बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत मतलब दिक्कतों में होकर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि शालिनी जी जो हैं वो 7वें महीने प्रेग्नेंट थी जब उन्हें MY से नर्स के लिए ऑफ़र लेटर आया, और उन्होंने ज्वाइन भी करा, और 7वें महीने से अभी तक उनका बच्चा 1.5 साल का है, वो सर्वाइव करती हैं, बच्चे को लेकर जाती हैं गले में बेल्ट में लगाकर बच्चे को, और इंजेक्शन देती हैं। एक माँ के लिए बहुत टफ हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट होते हैं, जर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी वो मतलब अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि मुझे उन्हें जॉब करना भी ज़रूरी है, ताकि जॉब करेंगे तो उनके बच्चों का फ्यूचर बनेगा, क्योंकि आज की डेट में पैसा कितना ज़रूरी है, ये तो मैं बोलूँ ना शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत है कि पैसा कितना ज़रूरी है। बोलते हैं प्यार और मैं और पैसों में अगर किसी को चुनना हो तो किसको चुने हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पैसों को चुनो, लेकिन प्यार के साथ जीने के लिए भी पैसा ज़रूरी होता है, अपने हम सफ़र का साथ देना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह शालिनी जी अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं, एक अच्छी मदर बन रही हैं, एक अच्छी वाइफ हैं, उन्होंने अपने बच्चे को काफ़ी टाइम से दूर भी रख रखा है, अपनी मतलब सासू माँ को दे रखा है, और छोटे बच्चे जो फीड करता है उसको अपने पास रख रखा है, फिर भी वो यहाँ मेरे पास सर्विस लेने आई। उन्हें जब उनकी चीज़ें बताई कि मैम आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मैं आप लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ, आप लोग बहुत सर्वाइव कर रहे हो, बहुत मतलब बोलते ना बहुत मैनेज कर रहे हो आप भी बच्चों के साथ, मेरी भी ऐसी लाइफ है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरा तो बहुत कम है उनके आगे जो तकलीफ है, मैं तो घर का काम, बच्ची, फिर मेरा सैलून वगैरह, ये एडजस्ट करती हूँ। हाँ मेरे लिए भी टफ हो जाता है, बट मैं इस चीज़ को लेकर कुछ एटलीस्ट मैं घर में तो हूँ, मैं अपने बच्चे को ऐसे हॉस्पिटल या ऐसी जगह लेकर तो नहीं जा रही हूँ जहाँ पर एक माँ के अंदर डर बना रहता है कि इतने तरह तरह के मरीज आते हैं, और बच्चों को तो बोलते ना थोड़े बहुत भी वायरस या जर्म्स लग जाते तो तुरंत बीमार हो जाते, पर वो कितना बड़ा रिस्क ले रही हैं। आई होप कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, बहुत तरक्की करें और बहुत आगे जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को हक है आगे बढ़ने का, और वो बस यही ईश्वर से दुआ करूँगी कि उनके सारे ड्रीम्स पूरे हों और उनके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें। आगे जो भी होगा आप लोगों को बताऊंगी, ये फिलहाल जो बात थी वो शालिनी जी के लिए थी।
जो कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लॉग का टॉपिक उठा रही है टॉपिक के लिए बता रही है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं ये टॉपिक के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये उन लेडीज़ों को बता रही हूँ जो सिर्फ घर के कामों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, अरे हमको ये करना है, हमने ये करा, और आपस में मतभेद चालू कर देती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, तरह तरीके की बातें करने लगती हैं कि अरे बाप रे हम घर के काम को लेके परेशान हैं। आप सोचो एक लेडी सुबह नाइट ड्यूटी करती है छोटे बच्चे को लेकर जाके, और सुबह आकर घर का काम करती है, और दो तीन घंटे सोकर थोड़ा रेस्ट करके पति के लिए सबके लिए खाना बनाकर नेक्स्ट डे रात को फिर नाइट ड्यूटी के लिए चली जाती है हॉस्पिटल में, वो भी बच्चे के साथ। तो हम इतनी प्रॉब्लम पे तो नहीं हैं। जिन लोगों ने मतलब लाइफ से हार रहे हैं, थक रहे हैं, रो रहे हैं सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़ कि अगर कुछ इंस्पिरेशन हमको मिलती है, किसी से हम प्रभावित हो सकते हैं, किसी की लाइफ से कुछ हमको सीखने को मिलता है, तो बस मैं यही कहूँगी कि सीखिए, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो आपको अगर किसी से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो उस चीज़ को ज़रूर सीखिए, और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, बदलाव ला सकती है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को सीखिए। मेरी लाइफ में शालिनी जी से मिलने के बाद बहुत बड़ा एक चेंजेस आया है, मैं आपको बता दूँ ये कि मुझे ना ऐसा डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे यार ये काम नहीं हुआ, मेरे ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, मेरे कस्टमर क्लाइंट आ रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, घर व्यस्त हो रहा है। नहीं, अगर आपको आपका ड्रीम पूरा करने के लिए थोड़ा सा घर व्यस्त हो रहा है तो चलेगा, आपको आपके बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए घर थोड़ा सा व्यस्त हो रहा है, बिखरा हुआ है तो चलेगा, लेकिन अपने ड्रीम्स पूरे करो, आगे बढ़ो, अपने बच्चे को एक बेहतर परवरिश दो। मैंने ये सीखा है, वो अपने बच्चे को एक बेहतर परवरिश देने के साथ साथ उसे लाइफ में ये भी सिखा रही हैं कि लाइफ में संघर्ष कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं बिना संघर्ष के सफलता मिलना असफल होता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। थाली लगाकर अगर कोई हमको ला कर देता है ना, तो भी निवाला तोड़ के मुँह तक हमें ही लाना होता है, तो सीखना तो पड़ेगा। तो अगर किसी से कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखिए। मैं इमोशनल हूँ, उनके फेस पर एकदम थकावट थी बहुत ज़्यादा, वो लेने आई थी क्लीनअप, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इन्हें रिलैक्स करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की कि वो एक मतलब एक डेढ़ घंटा का मैं फेशियल ही दे देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि नहीं यार सामने वाले को तो खुद के लिए टाइम ही नहीं है, और वो बड़े मुश्किल से आधे घंटे का टाइम निकाल के हमारे पास आई कि एटलीस्ट उनका बर्थडे है 9 तारीख को, तो इसलिए वो आई थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है उनको एक घंटे के लिए रिलैक्स कर देते, जितना मुझसे हो सका मैंने बेस्ट किया। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे सैलून के साथ साथ अगर मेरे साथ कोई जुड़ रहा है तो वो बोलते ना हमेशा जुड़ा रहे एक अच्छी इंस्पिरेशन के साथ, एक अच्छे भाव के साथ, बस यही चाहती हूँ। क्योंकि लाइफ में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बुरों से भी सीखो कि बुराई से दूर कैसे रहना है, अच्छों से भी सीखो कि अच्छाई के साथ आगे कैसे बढ़ना है। बस